भीड़वाड़ा से गुजर रहे चित्तौड़गढ़ अजमेर हाईवे पर हजारीखेड़ा के पास आरटीओ दल द्वारा ट्रक ड्राइवर से मारपीट का मामला सामने आया है। यहां आरटीओ दल व पुलिस दल पर ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की है, इसका वीडियो भी सामने आया है। इस मारपीट के ट्रक ड्राइवर घायल हो गए हैं। इस संबंध में ट्रक ड्राइवर ने पूर्व थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। ट्रक ड्राइवर नोखा के कंकाड़ा निवासी मांगीलाल विश्नोई ने बताया कि वह अपनी ट्रक में माल भरकर चित्तौड़गढ़ से हरियाणा जा रहा था। रविवार दोपहर को बुर बाईपास पुलिया के पास आरटीओ की ओर से चेकिंग की जा रही थी। टीम ने एक ट्रक को रुकवा रखा था। टीम की ओर से उनको कोई हाथ नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्होंने ट्रक आगे निकाल दिया। इसके बाद आरटीओ की टीम पीछा करते हुए करीब आधा किलोमीटर पीछा कर उनकी ट्रक को रुकवाया और उनसे मारपीट शुरू कर दी। उसने अन्य ड्राइवरों से मदद मांगने के लिए ट्रक को हाईवे के बीच में लगा दिया, जिससे जाम लग गया। इसके बाद पूर्व पुलिस मौके पर पहुंची और उसे थाने ले गई। डीटीओ रामकिर चौधरी ने बताया कि रविवार को इंस्पेक्टर सुरेश कुमार जंगिड़ के साथ टीम ने एक ट्रक को हजारीखेड़ा में रुकवाया था। जब ट्रक की जांच की तो उसकी नंबर प्लेट पर पन्नी लगी होने से गलत नंबर की आशंका हुई। टीम ने ट्रक का चालान बना दिया। इस पर ड्राइवर ट्रक लेकर भागने लगा। उसे पीछा कर रुकवाया तो उसने ट्रक को हाईवे पर आड़ा खड़ा कर दिया, जिससे हाईवे पर जाम लग गया और टीम का वीडियो बनने लगा। इसके बाद टीम ने पूर्व पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंच हाईवे से जाम खुलवाया। ड्राइवर से मारपीट का आरोप गलत है। जानकारी है कि इससे पहले भी हजारीखेड़ा में खड़े रहने वाले आरटीओ दल पर ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली के आरोप लग चुके हैं और कई बार यहां हादसे भी हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है।